बागी विधायक विनोद कुमार बिन्नी को आम आदमी पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, प्राथमिक सदस्यता भी की रद्द। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से विधायक बिन्नी ने पार्टी से निकाले जाने के बाद जमकर बरसे, कहा मैं नहीं हूं आपका मोहताज। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है कि दिल्ली की जनता के मुद्दों को आपको याद दिलाए और उसे आप उसे पार्टी से उसको बाहर निकाल दें। पार्टी से निकाले जाने के बाद भी बिन्नी के रुख में बदलाव नहीं, आज से जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन अनशन। अनशन के लिए बिन्नी ने केजरीवाल को बताया जिम्मेदार, कहा लोगों से किए गए वादे पूरे नहीं होने की वजह से उठा रहा हूं कदम। केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खुलने की वजह से आम आदमी पार्टी ने बिन्नी को भेजा था नोटिस, लेकिन बिन्नी ने उल्टे ही नोटिस पर उठा सवाल। आम आदमी पार्टी से बाहर निकाले जाने के बाद भी बिन्नी बने रहेंगे विधायक, 6 महीने बाद अविश्वास प्रस्ताव आने पर केजरीवाल के लिए बढ़ सकता है परेशानी का सबब। बिन्नी के बहाने आम आदमी पार्टी ने दूसरे बागियों को भेजा सख्त सिग्नल, पार्टी विरोधी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं आप। दिल्ली के लक्ष्मीनगर से कांग्रेस के दिग्गज नेता ए.के. वालिया को हराकर बिन्नी बने विधायक, 8,000 मतों से मिली थी जीत। आम आदमी पार्टी का दामन थामने से पहले कांग्रेस में थे बिन्नी, 2009 से 2011 तक कांग्रेस के थे सदस्य। केजरीवाल के मंत्री सोमनाथ के खिलाफ उपराज्यपाल से आज मिलेगी दिल्ली महिला आयोग, बर्खास्त करने की रखेगी मांग। सोमनाथ भारती के खिलाफ FIR दर्ज करवाने की मांग भी उपराज्यपाल के सामने रखेगी दिल्ली महिला आयोग, खिड़की एक्सटेंशन इलाके में सोमनाथ के छापे से नाराज। दिल्ली महिला आयोग के बुलावे पर भी पेश नहीं हुए थे सोमनाथ भारती, वकील को भेजकर खुद पतंग समारोह में चले गए थे दिल्ली के कानून मंत्री। दिल्ली के कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी भी उपराज्यपाल का खटखटाएगी दरवाजा, राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर बर्खास्त करने की रखेगी मांग। फिल्मकार शेखर कपूर ने राष्ट्रपति के भाषण पर लिखा था आंदोलन और अराजकता एक चीज नहीं। शेखर कपूर ने ट्विटर पर लिखा 1984 में हुई थी अराजकता जब भीड़ ने सिखों का कत्लेआम किया था। शेखर कपूर ने ट्विटर पर लिखा था 1984 में स्टेट और पुलिस ने भीड़ को उकसाया था। आम आदमी पार्टी के नेता योगेंद्र यादव का बयान, राष्ट्रपति का इशारा हमारी ओर नहीं। केजरीवाल की सुरक्षा नहीं लेने के दावे को बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने बताया ढकोसला, पूछा राजपथ पर परेड देखने के लिए भारी भरकम सुरक्षा कर्मियों के साथ क्यों गए। एक महीने में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने तोड़ी भ्रष्टाचारियों की कमर, एंटी करप्शन ब्रांच ने एक महीने में ही तोड़ा 2013 का रिकॉर्ड। साल 2013 में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने दर्ज किए थे कुल 23 मामले, केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने के महज 30 दिनों में ही दर्ज हुए 7 मामले। अहमदाबाद में झाड़ू यात्रा के जरिए आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने मोदी पर साधा निशाना, कहा गुजरात की जनता तय करे वहां एक आदमी का शासन होगा या 6 करोड़ गुजरातियों का। आशुतोष के आरोपों को बीजेपी नेता अमित शाह ने किया खारिज, कहा हमारी सरकार मोदी मॉडल पर चुनी गई। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने टोल टैक्स के खिलाफ फिर खोला मोर्चा, नवी मुंबई में कार्यकर्ताओं से कहा महाराष्ट्र में मत देना टोल टैक्स। राज ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को भड़काया, कहा अगर कोई रोके तो बिना डरे उसे वहीं पीठ डालना। राज ठाकरे के भड़काऊ बयान के बाद नागपुर में दिखा असर, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने टोल नाके पर जमकर की तोड़फोड़। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने दूसरे टोल नाके को भी बनाया निशाना, जमकर तोड़फोड़, बढ़ाई गई सुरक्षा। टोल टैक्स को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज, हाल ही में कोल्हापुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने की थी तोड़फोड़ और आगजनी। बंगाल की खाड़ी में पोर्ट ब्लेयर के करीब नाव हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 28, डूबने वालों में ज्यादातर तमिलनाडु के थे रहने वाले। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों के लिए मुआवजे का ऐलान, 1-1 लाख देगी तमिलनाडु सरकार। अंडमान प्रशासन ने हादसे की जांच के लिए दिया आदेश, मजिस्ट्रेट जांच के जरिए जल्द ही हादसे की वजह का लगाया जाएगा पता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हादसे पर जताया दुख, केंद्रीय एजेंसियों को तत्काल मदद के लिए दिया आदेश। रॉस आइलैंड नॉर्थ बे जाते समय डूबी नाव,
सूत्रों के मुताबिक कुछ लोग एक्वामरीन नाम की इस नाव के कैबिन में हो सकते हैं फंसे। मोदी के खिलाफ बिहार में कांग्रेस आरजेडी एलजेपी के साथ मिलाएगी हाथ, लोकसभा सीटों को लेकर जल्द ऐलान के आसार। सूत्रों के मुताबिक बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 20 पर लड़ेगी आरजेडी, कांग्रेस 10, एलजेपी 8 और एनसीपी 2 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में दिग्विजय सिंह ने रामविलास पासवान से की मुलाकात, पहले पासवान नीतीश के साथ जाने की तैयारी कर रहे थे। उत्तराखंड में विजय बहुगुणा की कुर्सी खतरे में, कांग्रेस सीएम को लेकर इसी हफ्ते लेगी फैसला। हरेश रावत, प्रीतम सिंह, इंदिरा रदेश सीएम पद के दावेदार, गैर कांग्रेसी विधायकों की बढ़ी गतिविधियां। शीला दीक्षित को हिमाचल से राज्यसभा में भेजने पर राहुल गांधी कैंप ने जताया विरोध, दिल्ली में हार के बाद जवाबदेही के मामले में फंसा टिकट। दिल्ली में उत्तराखंड आपदा पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पिछले साल सैकड़ों लोगों की कुदरती आपदा में हो गई थी मौत। अमेठी में दलित महिला को आम आदमी पार्टी ने मुहैया कराई छत, 6 साल पहले राहुल गांधी ने इसी महिला से की थी मुलाकात। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भगवान वाल्मीकि क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं की झड़प, झंडा फहराने को लेकर भिड़े। अनशन पर बैठे निरुपम ने रविवार को चौथे दिन किया सरेंडर, मुख्यमंत्री के जरिए बिजली कंपनियों के ऑडिट के भरोसे के बाद खत्म की भूख हड़ताल। मुंबई में मोदी की मौजूदगी में मनेगा लता मंगेशकर के गाए गीत, ऐ मेरे वतन के लोगों के 50 साल पूरा होने का जश्न, 1,00,000 लोग गाएंगे गीत। मुंबई के महालक्ष्मी रेसकोर्स ग्राउंड पर देशभक्ति के गाए जाएंगे तराने, लता मंगेशकर खुद लोगों का बढ़ाएगी हौसला, खुद नहीं गाएंगी गीत। इस आयोजन में परमवीर चक्र, महावीर चक्र और दूसरे वीरता पुरस्कारों से सम्मानित 100 से अधिक सैनिकों और शहीदों के परिवार वाले भी रहेंगे मौजूद, मोदी करेंगे सम्मानित। मशहूर कवि प्रदीप ने लिखा था है मेरे वतन के लोगों, पहली बार 27 जनवरी 1963 के दिन पंडित नेहरू की मौजूदगी में लता ने गाया था गीत। मोदी की मुरीद है लता मंगेशकर, हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान लता ने दी मोदी को पीएम के तौर पर देखने की इच्छा जताई। यूपी के कौशाम्बी में गांव के मंदिर में हो रही नरेंद्र मोदी की पूजा, गांव वालों ने स्थापित की प्रतिमा। मोदी की पूजा अर्चना के साथ मंदिर में पढ़ी जाती है मोदी चालीसा, मंदिर में रोज मोदी की आरती भी। ग्रामीणों के मुताबिक पहले मंदिर में लोगों की कम थी आवाजाही, मोदी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद रोज लोगों की भीड़ बढ़ी। राज्यसभा में जाने की खबरों का आडवाणी ने किया खंडन, कहा लोकसभा चुनाव लड़ने का कर रहा हूं विचार। बीजेपी के अंदर थी अटकलें, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को राज्यसभा भेजने की तैयारी। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर दिखी देश की आन बान और शान, जमीन से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान ने दिखाई ताकत, पहली बार परमाणु ताकत की भी नुमाइश। दिल्ली के साथ साथ देश के सभी राज्यों में फहराया गया तिरंगा, गुजरात के हिम्मतनगर में राज्यपाल कमला बेनीवाल ने भी ली परेड की सलामी, मुख्यमंत्री मोदी भी समारोह में थे मौजूद। कोलकाता में गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल ने ली परेड की सलामी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी मौजूद। पंजाब के राज्यपाल शिवराज पाटिल ने पटियाला में फहराया तिरंगा, परेड की ली सलामी। झारखंड के रांची में मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फहराया तिरंगा, अस्वस्थ होने के कारण राज्यपाल समारोह में नहीं पहुंचे। गणतंत्र दिवस पर जम्मू में राज्यपाल ने ली परेड की सलामी, जवानों का जोश देखते ही बना। गणतंत्र दिवस पर असम के जोरहाट में फहराया गया तिरंगा, जवानों ने दी सलामी। वाघा बॉर्डर पर जवानों ने धूमधाम से मनाया गणतंत्र दिवस, देशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की बधाई।
चेन्नई में भी गणतंत्र दिवस की धूम, राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री जयललिता भी समारोह में थी मौजूद। बेंगलोर में भी गणतंत्र दिवस पर लोगों में दिखा उत्साह, जवानों में दिखा गजब का उत्साह। सीमा पर एक बार फिर पाक ने किया सीज फायर का उल्लंघन, जम्मू के उरी सेक्टर में की फायरिंग। रविवार दोपहर करीब 6 बजे पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग, फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारतीय सेना के मुताबिक करीब 3 घंटे तक पाकिस्तान की ओर से होती रही फायरिंग। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में गणतंत्र दिवस समारोह में हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मातंग समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग को लेकर किया हंगामा, काले झंडे भी दिखाए। झारखंड के गिरिडीह में नक्सलियों ने एक कर्मचारी को किया रिहा, 3 अब भी गिरफ्त में, ये सभी मनरेगा से जुड़े काम के लिए तीरटांड गए। सरकारी कर्मचारियों के अगवा की खबर से रांची में हड़कंप, सीएम हेमंत सोरेन ने कहा हम अपने कर्मचारियों को लाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे। झारखंड के लातेहार में नक्सलियों ने सड़क निर्माण पर लगाई रोक, मशीनों में लगाई आग। बोकारो स्टील प्लांट के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, जल सत्याग्रह के जरिए बुलंद की आवाज। कोलकाता में कस्टम पुलिस ने 40 हथियार किए जब्त, बस से मिले थे हथियार। दिल्ली में 28 साल की शादीशुदा महिला के साथ चलती कार में रेप, आरोपियों ने नौकरी देने का झांसा देकर वारदात को दिया अंजाम। रेप के बाद आनंद विहार बस टर्मिनल के पास फेंक कर भाग निकले आरोपी। आनंद विहार टर्मिनल पर महिला को रोते हुए देख लोगों ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस ने लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में कराई जांच, रेप की हुई पुष्टि। मधु विहार थाने में मारपीट और रेप का केस दर्ज। दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में एक दुकान को लेकर खून झगड़ा, 2 महिला समेत 10 लोग घायल। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले एक साल में 600 किलोग्राम ड्रग्स जब्त होने का खुलासा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 करोड़ रुपए कीमत। लुधियाना की एक फैक्ट्री में धमाका, एक शख्स की मौत, 3 घायल। आज तक के नाम एक और अवार्ड, कोलकाता में 22वें सालाना कलाकार अवार्ड में बेस्ट न्यूज चैनल का मिला खिताब। कलाकार परिवार फाउंडेशन ने तीसरी बार दिया अवार्ड, पिछले 13 साल में न्यूज की दुनिया में आज तक का दबदबा। विश्व भारती के वीसी सुशांत दास गुप्ता को पद्मश्री सम्मान दिए जाने पर विवाद, वीसी पर यौन शोषण के लगे आरोप, बीजेपी ने किया विरोध। कल हैमिल्टन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा वनडे, सीरीज में बने रहने के लिए भारत को हर हाल में जीतना होगा मैच। पिछली सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने वाले खिलाड़ी ही न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, 6 फरवरी को ऑकलैंड में होगा पहला टेस्ट। एडिलेड वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 रनों से हराकर नंबर 1 पर किया कब्जा, 4-1 से जीती सीरीज। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स फाइनल में सानिया मिर्जा और उनके रोमानियन पार्टनर होरिया टेकॉ को मिली हार, फ्रांस की क्रिस्टिना और कनाडा की डैनियल ने हराया। साइना नेहवाल ने पीवी सिंधु को दी मात, सैयद मोदी इंटरनेशनल इंडिया ग्रांप्री गोल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप पर किया कब्जा।